ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इन लोगों को कहीं कोई माने ठहरने रहने खाने एक साथ का कोई इन लोग नहीं होने देता है, ब्राह्मण हावी है। इसे लुई वंश सुलामा से पूछा गया था कि आपका वंशज कैसे शासन किया, तो कहा कि लोगों को सांप्रदायिक बनाया, जैसे कोई पैखाना कर दे और उसको टीक दे, हल्ला हो जाएगी, महादेव जी उखड़ गए, लाठी चार्ज हो जाएगा उसमें। तो आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को कि देखने के बाद आपको हैरानी और परेशानी होगी। और कहानी है जी श्री राम का, जो दशरथ पुत्र राम थे और उनके ससुराल से इस कहानी को खड़ा किया गया और सीता के ससुराल में खत्म किया गया। यानी मान सकते हैं कि राम का ससुराल जनकपुर था और सीता का ससुराल अयोध्या था। ये दोनों ही ससुराल का एक कहानी जो है आज नया सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास पहुंचे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम मनु स्मृति के सख्त विरोधी हैं और मनु विचारधारा के सख्त विरोधी हैं। क्या है मनु विचारधारा और क्या है मनु स्मृति, इसके बारे में इन्हीं के जुबान से सुनेंगे। लेकिन फिलहाल जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं, आखि यहाँ पर मुजफ्फरपुर की धरती से नील सेना का एक संगठन जो गठन हुआ और नील सेना के माध्यम से 22 जनवरी को यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ और 30 जनवरी को एक पैदल यात्रा निकाली गई अयोध्या धाम पहुंचने के लिए। लगभग 14 ठहराव स्थल होते हुए यह अयोध्या धाम पहुंच चुकी है। मामला क्या है इसको गंभीरता से देखिए। इसको इस नील सेना के जो अयोध्या पैदल यात्री और जिसे इनके अध्यक्ष थे रमैया जी का, यहां से हरी झंडी देने का काम बिहार के महामहिम राज्यपाल भी किए और बड़े बड़े चेहरे भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम को अनुमति और हरी झंडी और सहमति देने के लिए, जिसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी शामिल थे और अन्य भी लोग शामिल थे। लगभग 14 दिन पैदल यात्रा करके जब यहां से अयोध्या पहुंचा गया तो यह यात्रा अयोध्या जैसे ही पहुंचा, इस यात्रा में एक बहुत बड़ा बात सामने आई। अब आप सामने क्या बात आई इसको भी आप जान लीजिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि जैसे ही यह यात्रा अयोध्या पहुंची तो अयोध्या के ट्रस्टी जो है उसे नील सेना के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों ने मिथिला से जो यात्रा पहुंची थी उसके लिए स्वागत और अस्थाई रूप से सोने बैठने और दर्शन करने का व्यवस्था मांगा। लेकिन उन्होंने जो महासचिव है चंपत राय देने से इनकार कर दिया। हालांकि यहां से जो लोग पहुंचे सभी लोगों को भगवान राम की दर्शन तो करवा दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मिथिलांचल वासियों को लगा कि मेरा अपमान किया गया है मंदिर के महासचिव के द्वारा। और इसको लेकर आज दिनांक को वहां पर आमरण अनशन नील सेना के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहते हैं इस पर नील सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयान भी आप सुने। जय श्री सीताराम। आज हम लोग अयोध्या जनपद तिरकोलिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस आमरण अनशन का उद्देश्य है कि हम लोग को सम्मान पूर्वक यहाँ से विदाई हो, सीता के सिंदूर हम अयोध्या में कनक भवन में अर्पित करें, फिर हनुमान गढ़ी में अर्पित करें और तब रामलला का दर्शन करके फिर दोबारा हम लोग पुनः अपने घर वापसी करें। और ये यात्रा 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर से चली थी और 14 फरवरी को हम लोग अयोध्या पहुँचे थे। उसके उपरांत हम अपने प्रतिनिधि मंडल को श्री चंपत राय जी से मिलने के लिए भेजे तो उन्होंने कहा कि ये किस समाज के लोग यात्रा लेकर के आ रहे हैं, किस बिरादरी के लोग यात्रा लेकर के आ रहे हैं, क्या ऐसा पूछना उनका उचित था। रामलला सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, क्या वो जाति और समाज देख करके मंदिर में एंट्री देते हैं और चाहे जो 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेके आता है उसका सम्मान होता है। हम सैकड़ों मूर्तियाँ हमारे पास थी, 2 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ थी हमारे पास और 400 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आए थे, जिसमें 8 साल के बच्चे से 82 साल के बुज़ुर्ग थे। ये सभी समाज मिलकर के हम लोग यात्रा निकाले थे और इसको आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय इस यात्रा को हरी झंडी दिखाए थे। गुप्तेश्वर पांडे जुड़े थे, कामेश्वर चौपाल जुड़े थे, ऐसे यात्रा को इग्नोर किया गया
और ऐसे ही यात्रा को रोड पर छोड़ दिया गया, बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया, लोग को पूछा नहीं गया। इससे हम लोग बहुत दुखी है और इसी के लिए आमरण अनशन और धरना कर रहे हैं और सरकार से मांगे हैं कि भारत में PNA के द्वारा भारत सरकार सभी जगह शिक्षा प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर पुजारी को नियुक्त करे और SC ST वाले को, OBC वाले को रोस्टर के आधार पर पुजारी नियुक्त करे ताकि सनातन धर्म मजबूत हो और सनातन में टूट ना। और फिलहाल हमारे सामने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बयान को सुने। क्या कहेंगे राम इकबाल जी, बार बार जो वाल्मीकि समाज से आने वाले दलित लोग हैं उनको हिंदू के नाम पर उत्पीड़न क्यों पहुंचाया जाता है? जो हरजन या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये अपने को भले ही उतावला में आ जाए लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इन लोगों को कहीं कोई माने ठहरने रहने खाने एक साथ का कोई इन लोग नहीं होने देता है। ब्राह्मण हावी है। जैसे लुई वंश सुलामा से पूछा गया था कि आपका वंशज कैसे शासन किया, तो कहा कि लोगों को सांप्रदायिक बनाया। जैसे कोई बखाना कर दे और उसको टिक दे, हल्ला हो जाएगी, महादेव जी उखड़ गए, लाठी चार्ज हो जाएगा, उसमें ब्राह्मणों का चलती हो जाएगा, सबको टीका माला, सब पैसा कमाने लगेगा। इसलिए ब्राह्मण का लड़का IAS बनता है, हम लोग उसी में लग जाते हैं। ऐसा अम्बेडकर के रीजन में भी हुआ, सोमनाथ के मंदिर में जब वो गए, अंग्रेज कहा कि तुम्हारे देश में तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तो इनको सीढ़ी पर महानसर रोक दिया, अंग्रेज को जाने दिया, तो कहा कि देख लिया ना, तो वो नतमस्तक होकर के ब्राह्मणी से शादी कर लिए और बौद्ध धर्म को मान लिए। तो उसी ढंग से ही अयोध्या जो है ये अब ब्राह्मण के कब्जा में है। ये ब्राह्मण लोग इतना ना प्रचार करता है कि, और प्रचार करेगा जैसे है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते जाइए, इस ढंग से ये लोग हरजन के साथ करता है। दिमाग में है कि हरजन है मंदिर नहीं छुए, लेकिन हरजन चूंकि अब बहुसंख्यक है तो कैसे ये लोग कटेगा। तो रमैया जी तो वाल्मीकि समाज से आते हैं और उस जाति से आते हैं जो एकदम निचली तबके की जाति है। ये लोग कहे समानता आ गया लेकिन दिल में समानता नहीं है, दिल में इन लोगों का समानता नहीं है। जैसे दिल में होगा कि सब लोग एक है, मानो मानो एक है, लेकिन ऐसा इन लोगों को नहीं है, वहाँ भेद है। तो वाल्मीकि जी भी जो रामायण लिखे हैं तो जैसे समाज में भी उसी जाति के जब भोज खाने जाइएगा तो वो कहेगा कि बैकवर्ड हरजन ये सब जोड़े बैठ के नहीं खाएंगे, आप लोग अलग एक साइड में खाइए। तो इससे है कि समानता है, भात नहीं खाएंगे, माने हरजन क्या भात नहीं खाएंगे, तो ये ढंग से मानसिकता इन लोगों का है, समझ रहे हैं, मानसिकता इस ढंग को। पहले ही लोग बोलता था कि तेली के मुंह नहीं देखना है, अब उसका पूजा करने के लिए तैयारी है। तो ये लोग तो कोई कुकर्म पर चले जाते हैं, जब रमैया जी को देखेंगे कि बहुत मजबूत है तो उनका गोर का पूजा करने लगेंगे, लेकिन अभी कमजोर समझते होंगे इसलिए पूछते नहीं होंगे। क्या नाम हुआ? राम इकबाल राय, ग्राम बटोलिया, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। तो ये थे राम इकबाल जी, जो अभी नील सेना के साथ अपमानजनक शब्दों का जो प्रचार हो रहा है और जो इस समय पहुंची हुई अयोध्या और वो लोग अपने अपमान के लिए, सम्मान पाने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या कहते हैं उनके अध्यक्ष रमैया जी, उनके बारे, उनकी बयान को भी आप सुने और क्या हुआ इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे मिथिलांचल में यह बात जो है फैल जाए कि सीता की नगरी से जाने वाले लोग के साथ राम की नगरी में क्या हो रहा है, इसे भी आप गौर से देखें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।